फनकारों को मदनी मुजा की दावत का सिलसिला मदीना कराची पाकिस्तान में मजलिस बराए फंकार के जब मदनी चैनल चल रहा होता है तो हम आधे घंटे के लिए ये खाने की दावत पे चले जाते हैं तो बैठ के देखते हैं वहां पे बाबा का बयान देखते हैं अब्दुल हबीब भाई का देखते हैं बयान तो बड़ा दिल खुश होता है कि चलें इस बहाने हम वहाँ आप लोगों को भी देख लेते हैं आप सभी देख रहे हैं कि जितने कम अरसे में ये चैनल इतना पॉपुलर हुआ है और इस्लामी चैनल काफ़ी चल रहे हैं लोगों और जगहों पे भी लेकिन मदनी चैनल का एक अपना मैार है एक क्वालिटी है और सबसे अच्छी बात यह है कि दीन के हवाले से तो हमें मालूम होती ही होती है जैसे वजू का करना किस तरह गुसल किस तरह किया जाता है ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो हमें इस चैनल से मिलती हैं और हमने मैंने देखी मुझे बहुत पसंद आई है और माशा मैं क्या सब देखने वालों को बड़ा पसंद है मदनी चैनल शोबी से वाबस्त जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं राइटर हैं एक्टर हैं सिंगर्स हैं जो भी इस वक्त मुझे सुन रहा है या देख रहा है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि पंद्रह जून को फैज़ान मदीना में जितने भी शोबीस के लोग हैं उन उन सब का एक इज्तम अरेंज किया है वहाँ पे जब ने तीन चार घंटे हम बैठ के दावत इस्लामी के मरकज में कुछ दीनी मालूमत भी हासिल कर लेंगे क्योंकि दीन है तो दुनिया है दुनिया से जब जाना है तो दीन ही लेके जाना है सुन्नतों की हर तरफ आए बहा हो उम्मत हुसैन मीठे स्मी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरन अलहमदिल्लाज वजल पंद्रह जून को शोबिस से गुलुकार, अदाकार, फनकार, कॉमेडियन सिंगर राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन सब को अमीर अहल सुन्नत ने याद फरमाया है और बाबा इन शोबिस वालों के दरमियान मदनी मुजाकर फरमाएंगे पंद्रह जून को यह मदनी मुजाकर बाद नमाज ईशा शुरू होगा मीर सुन्नत जो है वो सवालात के जवाब भी अता फ़रमाएंगे इस वक्त हम कोरंगी में आए हुए हैं यहाँ पर भी कुछ नौजवानों ने कुछ आर्टिस्ट कुछ फनकार ने भी नीयतें करी हैं कि इन 15 जून को होने वाले मदनी मुजाकर में ये ख़ुद नहीं बल्कि दूसरों को दावत देकर साथ लेकर आएँगे अलहमदिल्ला मैं नीयत करता हूँ इन शह कि बार मैं पूरा महीना एतक़ करूँगा फैजान मदीना में और 15 जून को अपने दोस्तों के साथ इन शह इन अल्लाह हमारी मदद फरमाए तो दो बसों के साथ हम शोबीस के लोग इन ज़रूर हाज़िर होंगे बापा की ख़िदमत में और उनसे दुआ की